लोग कब से यात्रा करते समय ड्राइवर से बात करने लगते हैं? अमूमन ड्राइवर या तो हिंदी या अंग्रेजी में ही बात करते हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जब ड्राइवर किसी और भाषा में बात करे। दिल्ली के एक कैब ड्राइवर का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ड्राइवर संस्कृत में धारा प्रवाह एक यात्री से बात कर रहा है। वीडियो में देखकर सोशल मीडिया पर लोग दंग हैं। ऐसा शायद पहली बार लोग इंटरनेट पर देख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नाम के एक यूजर्स ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैब ड्राइवर धारा प्रवाह संस्कृत में बात कर रहा है। यह वीडियो दिल्ली के इंडिया गेट के पास शूट किया गया है। यात्री ड्राइवर से संस्कृत में बातचीत कर रहा है। यात्री ने ड्राइवर से पूछा कि आप कहां के रहने वाले हैं। ड्राइवर ने संस्कृत में जवाब दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद का रहने वाला हूं। यात्री ने इसके बाद भी कुछ सवाल किए जिसका जवाब ड्राइवर ने संस्कृत में ही दिया। कैब ड्राइवर ने अपना नाम अशोक बताया। लक्ष्मी नारायण ने जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया वैसे ही वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने अब तक वीडियो को देख लिया है। वीडियो देखकर यूजर्स ने लिखा कि संस्कृत में बातचीत देख मन खुश हो गया। वहीं दूसरे यूजर्स ने लिखा है कि सदियों पहले हजारों पूर्वज ऐसे ही संस्कृत में बात किया करते होंगे। एक यूजर्स ने तो यहां तक लिख दिया कि मुझे ये वीडियो देखकर शर्म आ रही है क्योंकि मैंने अब तक संस्कृत बोलना नहीं सीखा। इदानीं देहल्यां यानं चालयन् अस्ति प्रातःकाले। भवतः नाम किं? मम नाम अशोकः। अशोकमहोदयः, यानचालकः अस्ति अत्र देहल्याम्। अहम् इण्डिया गेट् पार्श्वे इदानीं गच्छन् अस्मि। अशोकमहोदयः यानं चालयन् अस्ति। अशोकमहोदय, भवतः राज्यं कुत्र? कुतः? उत्तरप्रदेशः। उत्तरप्रदेशतः आगतवान्? जनपद गोण्डा। जनपदे अस्ति? अच्छा, तत्र उत्तरप्रदेशे के के सन्ति भवतः? तत्र पिता अस्ति, पत्नी, भार्या अस्ति, पुत्र अस्ति, पुत्री अस्ति, पुत्री अपि अस्ति, तत्र अनुजा अस्ति, अग्रजा अस्ति। एवं सर्वे संस्कृतेन भाषन्ते वा? सर्वेन संस्कृतेन। भवान् संस्कृतेन वदति? मम अनुजः, अग्रजा पुत्रः, द्वयोपि संस्कृतेन। ओहो, उत्तमम्। अभिनन्दनानि महोदय, शुभयात्रा भवतु, भवतः जीवनं सुखकरं भवतु। देहल्याम् अहम् इदानीम् अटन् अस्मि। प्रातःकाले सुन्दरे परिसरे अशोकमहोदयः यानं चालयन् अस्ति, संस्कृतेनापि भाषमाणः अस्ति।